तो अपने में कीजिएगा झंझट। झंझट करने नहीं आया सर, यहाँ पे जो सच्चाई है वो दिखाने आए हुए हैं। तो दिखा रहे हैं आप, गेट खोलिए। हम विद्यालय परिसर के अंदर, हम गुड़ेस वाले को अलाउ नहीं है बिना विभाग के अनुमति के। बिना विभाग के अनुमति अलाउ नहीं है। आपने लेटर सही से पढ़ा है, उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम सर? मीडिया को अंदर जाने से कोई मना कर सकता है? नहीं, कोई नहीं मना कर सकता है। प्रिंसिपल सर गेट लगा लिया, ऐसा क्यों? अब क्यों, तो अब प्रिंसिपल साहब से पूछिए कि क्यों लगाए आप गेट नहीं खोल रहे हैं। हाँ, तो उसका पूछिए, बताइए भैया। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप भैया युवा हैं, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि प्रिंसिपल सर गेट लगा लेते हैं, अंदर क्यों नहीं, अंदर घुसने नहीं देते? कुछ गड़बड़े हो रहा है तब ना घुसने दे रहा है, तभी ना लोग गेट लगाएंगे। आप, अगर आपके घर में प्रॉब्लम होगा तभी ना गेट लगाएंगे लोग। हाँ, लगाएंगे, प्रॉब्लम होता है तब तो लगाते हैं गेट। देखिए ये भी बता रहे हैं, प्रॉब्लम अंदर होगा तभी गेट लग रहा है, ऐसे गेट नहीं लगेगा। स्कूल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दिखाने के लिए परमिशन ले लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। हाँ, परमिशन हमारा स्कूल परिसर में घुसने का है दीजिए। क्लासरूम में घुसने के लिए हमें परमिशन चाहिए। आप लेटर जारी पटना से खुद हुआ, आप खुद देख सकते हैं। दीजिए लेटर, दीजिए। आपके पास स्कूल में लेटर आया हुआ आप देखिए? मेरे पास नहीं है लेटर। आपके पास नहीं आया हुआ, ऑन कैमरा बोल दीजिए लेटर नहीं आया, हम चले जाएंगे। ऑन कैमरा बोलिए लेटर नहीं आया हुआ है। सारे स्कूल के लिए आया हुआ, आपके लिए नहीं आया हुआ है। नहीं आया आपके लिए लेटर, नहीं आया हुआ है। और 5 लाख लोग अभी देखेंगे इसको। सिल्क टीवी अमित जी कहाँ? अमित जी का नहीं है, सिल्क टीवी भागलपुर विजय जी का है। ये के विजय, पूरा नाम विजय कुमार। अच्छा है, तो अपने में कीजिएगा झंझट। झंझट करने नहीं आया सर, यहाँ पे जो सच्चाई है वो दिखाने आए हुए हैं। तो दिखा रहे हैं आप, गेट खोलिए। हम विद्यालय परिसर के अंदर, हम गुड़ेस वाले को अलाउ नहीं है बिना विभाग के अनुमति के। बिना विभाग के अनुमति अलाउ नहीं है। आपने लेटर सही से पढ़ा है, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या मालूम सर? आपको मालूम नहीं है, आप टीचर हैं यहाँ के। आप दिखाइए, आप टीचर यहाँ का मालूम नहीं है? उसमें पता है साफ साफ क्या लिखा हुआ है? स्कूल परिसर के अंदर मीडिया अलाउ है, क्लासरूम में घुसने के लिए प्रिंसिपल जो वहाँ का मुखिया होगा उसे परमिशन लेंगे। ठीक है, आप लेटर देखिए, आपके पास अगर लेटर है तो। अब मीडिया वाले को देख के आप गेट लगा रहे हैं, अपने में क्या करना है? आप यहाँ सच्चाई पे आइए, आप वीडियो कर रहे हैं, वीडियो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो सच्चाई दिखाने के लिए आए हुए हैं आपसे परमिशन ले रहे हैं, आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस स्कूल में कोई फॉल्ट है तभी आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। आइए हम ग्रामीण से भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये बताएंगे, बता रहे हैं क्या कि हम मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, आप यहाँ के हैं या नहीं है? नहीं, आप इतना सिर्फ बता दीजिए, मीडिया को कहीं घुसने से कोई मना कर सकता है? नहीं नहीं, वो तो नहीं कर सकता सर। गलत किया नहीं किया? हाँ गलत तो इसमें है, बात कीजिए ना आप, फिर उसका कुछ ना कुछ। आइए आइए इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए सर, आप मीडिया को अंदर जाने से कोई मना कर सकता है? नहीं, कोई नहीं मना कर सकता है। प्रिंसिपल सर गेट लगा लिया, ऐसा क्यों? अब क्यों, तो अब प्रिंसिपल साहब से पूछिए कि क्यों लगाए आप गेट नहीं खोल रहे हैं? हाँ, तो उसका पूछिए, बताइए भैया। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप भैया युवा हैं, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि प्रिंसिपल सर गेट लगा लेते हैं, अंदर क्यों नहीं, अंदर घुसने नहीं देते? कुछ गड़बड़ी हो रहा है तब ना घुसने दे रहा है। गड़बड़ी है, देख लीजिए, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, तभी अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। घुसने देता है। और ये बता, अब ये बोल रहे थे कि अपने में आप ऐसे कीजिएगा, अपने में क्या होता है? अपने में क्या होता है? अपने में तो क्या होता है बताइए ना, तो आप ही बता, एक बार बता दीजिए ना, अपने में क्या होता है वो बता दीजिए हमको। आप जो हो रहा है तो जानते हैं, अपने में क्या होता है? प्रिंसिपल से बात किए, वो गेट भी खोले, जैसे वो जैसे देखे कि मीडिया वाला आया हुआ है, वो गेट लगा लिए, बोले अंदर घुसना मना है, हमको लेटर जारी है। हम बोले लेटर में लिखा किया गया, वो पहले पढ़िए ना, लेटर में लिखा गया है कि स्कूल के परिसर में घुस सकते हैं लेकिन क्लासरूम में घुसने के लिए परमिशन चाहिए। बोले परमिशन लेंगे आपसे हम। अरे स्कूल, हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोलेंगे अब हमको, जब चक्के जी जाके बोल दीजिए क्या बोल रहे थे, बोल दीजिए। ना ना ना, कौन सी बोल रहे हो? कुछ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे थे? एकरा स्कूल जाए से फ्री सरकार ने दे लीजिए, यहाँ बंद कर दिले जाते, कहना बंद कर जाए की कारण जो प्रिंसिपल ने बताते ही बात है। बताइए बताइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी है। एकरा आउटर से यहाँ नहीं घुसा दिल के, यहाँ जानता है कि कहना घुसा दिल के की बात। सही बात है, देखिए यहाँ पे ग्रामीण कहीं ना कहीं ये बता रहे, भैया आ जाइए आ जाइए, आ जाइए आप ये बताइए कि प्रिंसिपल सर हमको देखते गेट लगा लिए, क्यों गेट लगा लिए? वो सबको कुछ है ना, हम सब क्या बोलेंगे? लगाना चाहिए गेट, ये बताइए आप, लगाना चाहिए? अच्छी बताइए आप, प्रिंसिपल सर को गेट लगाना चाहिए? आप क्या चाहिए, क्या चाहिए ना, आप पूछिए मास्टर साहब से पूछिए। कहीं ना कहीं स्कूल में कोई दिक्कत है तब ना सर गेट लगाइए। खुले खुले गेट है, खुला गेट नहीं है, वो लोग बंद कर रहे हैं हमको देख करके। घुसने दो। छोटी स्कूल में पढ़ती हो तुम? इस स्कूल में पढ़ाई करती हो? नहीं, पढ़ती हूं हाई स्कूल। हाँ स्कूल में, ऐसा ये बताओ स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तभी ना सर गेट लगा रहे हैं? पता नहीं, हमको इतना मालूम नहीं है। अगर जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम है तभी लोग गेट लगाएंगे? हाँ तो गेट लगाएंगे।
तभी ना लोग गेट लगाएंगे। आप अगर आपके घर में प्रॉब्लम होगा तभी ना गेट लगाएंगे लोग। हाँ लगाएंगे, प्रॉब्लम होता है तब तो लगाते हैं गेट। देखिए ये भी बता रहे हैं प्रॉब्लम अंदर होगा तभी गेट लग रहा है, ऐसे गेट नहीं लगेगा। देखिए स्कूल में जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होने के कारण ही प्रिंसिपल सर गेट लगा रहे हैं और हमसे वो समझौता का गप कर रहे हैं। यहाँ पे समझौता नहीं होगा क्योंकि ये बिकी हुई मीडिया नहीं है। आपको विजय कुमार चौधरी जी, आपको हम बता दें कि स्कूल में ताला लग रहा है क्यों, क्योंकि अंदर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कैसे लोग टीचर बाहर होकर आ गए हैं ये पता नहीं, अब वो तो वही जानेंगे अंदर क्या चल रहा है। बाकी देखते रहिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।